एवरीवन, आई एम जानवी। वेलकम टू माय चैनल जानवी डिवाइन हीलिंग। आप सबको मैं फ्री एंजल बेसिक कोर्स करवा रही हूं और आज का टॉपिक फ्रेंड्स हमारा रहेगा हु आर द गार्जियंस एंजल्स। हमारी गार्जियंस एंजल्स कौन है फ्रेंड्स? जब से हम धरती पर आए हैं और जब हमने धरती पर जन्म लिया है तो हमारे साथ भगवान ने, हमारे क्रिएटर ने दो एंजल्स हमें दिए जिसे हम गार्जियंस एंजल्स कहते हैं। गार्जियंस मतलब गार्ड करने वाला। ये किस तरीके से ट्रीट करती हैं? पेरेंट्स जैसी हमें ट्रीट करती हैं। ये दो एंजल्स होती हैं। अगर आप ग्रंथों में भी देखोगे, पुराणों में भी देखोगे, किसी भी संस्कृति की बुक्स में भी देखोगे तो आपको हमेशा मिलेगा कि एक सोल के साथ दो सोल्स हमेशा रहती हैं। उसे हम दो फरिश्ते कह सकते हैं, दो आत्माएं कह सकते हैं, दो फेरी कह सकते हैं, दो एंजल कह सकते हैं, दो आत्माएं कह सकते हैं। तो उसमें आपको पूरा डिटेल में मिलता है। तो उसी तरीके से जब हम धरती पर जन्म लेते हैं तो हमारे साथ ये दो एंजल्स, गार्जियन एंजल्स हमारे साथ हमेशा के लिए रहती हैं। और ये जब तक हमारे पास नहीं आती है, जब तक हम इन्हें बुलाते नहीं हैं, हमारी परमिशन के बगैर ये बिल्कुल हमारा कार्य नहीं करती हैं, लेकिन हमें गाइड जरूर करती रहती हैं। और ये दो रूप में रहती हैं। इनकी हाइट 3 से 4 फुट की रहती है। ये व्हाइट कलर की, एकदम ब्रिलियंट व्हाइट कलर की रहती हैं। ये कोई इनका फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये लाइट के फॉर्म के रूप में रहती हैं। जब भी आपने कोई एंजल्स के फोटो देखे होंगे तो आपको व्हाइट कलर की एंजल्स बहुत कनेक्ट करती है, अट्रैक्ट करती है, वही हमारी गार्जियंस एंजल्स होती है। और ये दो रूप में होती है, एक फादर के रूप में होती है और एक मदर के रूप में होती है। फादर के रूप में कैसे होती है? फादर क्या करते हैं हमारे लिए? हमारे लिए डिसीजन लेते हैं, हमारे अच्छी लाइफ के लिए, हमारे अच्छे कार्य के लिए वो डिसीजन लेते हैं। और मदर क्या करती है? सॉफ्ट होती है, हमें प्यार देती है, हमें प्यार से रखती है। उसी तरीके से ये दोनों हमारे लिए कार्य करती हैं। तो ये एक फादर की तरीके से ट्रीट करती है और एक मदर के तरह से ट्रीट करती है। और उसके बाद जब तक ये आपके पास नहीं आती है, जब तक आप उसको कोई काम नहीं बोलोगे, आपके पास तो रहती है लेकिन जब तक आप उसको बुलाओगे नहीं, वो कोई काम नहीं बोलोगे, तब तक वो काम नहीं करती है, लेकिन आपको गाइड जरूर करती रहती है। जब भी कुछ अगर आप गलत कर रहे हो तो आपको एक साइन देती है कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए, या कोई अच्छा कार्य करना जा रहे हो तो आपको बोलेगी हाँ ये बिल्कुल सही है, आप खुश हो जाते हो, आपको ऐसा लगता है कि हाँ अंदर से किसी ने मुझे बोला। तो वो हमारी हमेशा गार्जियन एंजल्स हमारे लिए काम करती रहती हैं। तो उसके बाद अगर जब आप प्रेयर करके उनसे बुलाते हो कि प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी गार्जियन एंजल्स आप मेरे पास आओ, मेरे को ये काम है आपसे, तो वो जरूर आके आपका कार्य करती हैं, आपकी हेल्प करती हैं। किसी भी फॉर्म में आप प्रेयर कर सकते हो, इंग्लिश में बोलना हो, हिंदी में बोलना है, आपके दिल से जो भी लाइनें निकलती है उनके लिए आप बोल के अपनी हेल्प करवा सकते हो। और उसके बाद अगर हम आगे इनके बारे में जाने तो इनके नाम भी होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है, तो हम इनसे कनेक्ट होके इनके नाम भी जान सकते हैं। वो हमें अपना नाम बता देती हैं। और जब भी हम इनसे हेल्प लेते हैं तो ये लाइट हमें विजुअलाइज करना है कि एंजल्स हमारे पास में आ चुकी हैं, हमारे गार्जियन एंजल्स आ चुकी हैं, लाइट के फॉर्म में आ चुकी हैं, हम पूरे व्हाइट कलर की लाइट से घिर चुके हैं और अब हमारा ये काम होता जा रहा है। अगर आप किसी और के लिए उनसे हेल्प मांग रहे हो तो आप विजुअलाइज करें आंखें बंद करके कि जो गार्जियन एंजल्स हैं, हमारी व्हाइट कलर की लाइट है, वो उनके पास में जा रही है जिनके लिए आप हेल्प कर रहे हो, तो वो पूरे व्हाइट लाइट से घिरे हुए हैं। ऐसा आप इमेजिन विजुअलाइजेशन कर सकते हो तो उनका भी काम होना शुरू हो जाता है। और इनके दो नाम होते हैं, वो हमें पता करने होते हैं, हमें नहीं पता होता है लेकिन हम इनके नाम पता कर सकते हैं इनसे कम्युनिकेट करके। तो जब इनसे हम कम्युनिकेट करते हैं तो किस तरीके से हम इनके नाम जान सकते हैं? आप प्रेयर कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो कि प्लीज मेरी गार्जियन एंजल्स आओ और मुझे आपके नाम बताओ, मैं आपके नाम जानना चाहती हूँ। आप मेडिटेशन की मुद्रा में बैठ जाओ, पीसफुल जगह बैठ जाओ, ध्यान की मुद्रा में जाके आंखें बंद करके और दिल से उनसे रिक्वेस्ट करो कि प्लीज गार्जियन एंजल्स मैं आपके रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे अपने नाम बताइए, आपके नाम क्या है। तो आप उस समय जैसे ही आपने ये इंटेंशन रखा, तुरंत आपको फर्स्ट थॉट आएगा, तुरंत जो फर्स्ट थॉट आएगा उसी को ही हमें पकड़ना है, वही हिट करेगा और उसको पकड़ना है और उसमें देखना है कि आपको क्या नाम हिट हो रहे हैं। जरूर आपको दो नाम हिट करेंगे और वही आपके गार्जियन एंजल्स के नाम होंगे।
और किस तरीके से आपको इनके नाम पता चल सकते हैं, कोई साइन में, जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपको कार में कोई ऐसा नाम लिखा हुआ है जो आपको बार बार हेट कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो वही आपके गार्जियन एंजल्स के नाम है। चाहे फेसबुक में आपकी दो फ्रेंड की रिक्वेस्ट आ सकती है, या व्हाट्सएप पे कोई दो फ्रेंड के मैसेज आ सकते हैं, या तो तुरंत दो फ्रेंड के कॉल आ सकते हैं, क्योंकि आपने जैसे इंटेंशन रखा वैसे ही आपके साथ ये होने लग गया। तो आप उस समय बिल्कुल अवेयर रहिए कि जो आपने इंटेंशन में रखा वो तुरंत हो गया, तो आपको रिसीव करना आना चाहिए। पता है ना यूनिवर्स लॉ का मतलब क्या होता है, आस्क बिलीव एंड रिसीव। तो अभी हमें क्या करना है, हमने आस्क कर लिया, बिलीव कराए एंजल के ऊपर, अभी हमें रिसीव करना है। जो भी वो हमें साइन दिखा रही है, किसी भी फॉर्म में दिखा रही है, वो हमें कैच करना है और उसको हमें फिर लागू करना है। जैसे अगर आपको कोई नाम दिख रहे हैं, कोई रिक्वेस्ट आ रही है, फ्रेंड्स की कोई कॉल कर रहा है, तो वही आपके गार्जियन एंजल्स के नाम होते हैं। और इस तरीके से आप अपनी गार्जियन एंजल्स के नाम हमेशा के लिए जान सकते हो। और जब आप उनसे प्रेयर करोगे, रिक्वेस्ट करोगे, किसी भी आपको कोई हेल्प चाहिए, तो आप इनके नाम से उन्हें पुकार सकते हो, बुला सकते हो। और कभी कभी ऐसा होता है कि जिस समय आपने इंटेंशन रखी प्रेयर में, आपने उनको बुलाया और रिक्वेस्ट करी, तो हो सकता है कि उस समय अगर वो नाम नहीं आपको पता चल पा रहे हैं, क्योंकि इतने ईएसपी पावर हमारे स्ट्रांग नहीं होते हैं, इतने इंट्यूशन पावर हमारे स्ट्रांग नहीं होते हैं, तो हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हम थोड़ा वेट करेंगे, हम उनसे कहेंगे कि ठीक है एंजल्स, आज अब आपने हमें अपने नाम नहीं बताए, हमें कल आप जरूर अपने नाम बताइएगा। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स, 24 आवर्स में अगले दिन आपको कोई ना कोई साइन दिखेगा। आपको बस अवेयर रहना होगा, रिसीव करना होगा, अवेयर रहना होगा, और आप देखोगे कि कोई भी साइन में आपको वो दो नाम हिट करेंगे। चाहे तो आप बाहर जाओगे तो बाहर कहीं आपको किसी भी रूप में वो दो नाम दिखेंगे, या तो फेसबुक पे टू फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट आ जाएगी, व्हाट्सएप पे आपको मैसेज आ जाएंगे, या आपको कॉल आ जाएंगे, तो आप देख सकते हो कि वही आपकी गार्डियन एंजल्स के नाम होते हैं। बस हमें रिसीव करने आना चाहिए और अवेयर होना चाहिए, क्योंकि अब हमें पता है कि हमने तो इंटेंशन दे दिया है, तो जो भी हमें अभी नाम हिट कर रहे हैं वही हमारे गार्जियन एंजल्स के नेम। तो इस तरीके से कम्युनिकेट करके एंजल्स के आप नाम जान सकते हो, और फिर नाम लेके अपने कार्य करवा सकते हो। तो इस तरीके से आज हमने जाना कि हमारी गार्जियन एंजल्स क्या होती हैं, किस तरीके से काम करती हैं, और हम इनसे कैसे आस्क करके, रिक्वेस्ट करके उनके नाम भी जान सकते हैं। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अब आप जरूर इनसे स्ट्रांगली कनेक्शन बनाइए, क्योंकि गार्डियन एंजल्स तो जब से हमने बर्थ लिया है हमारे आसपास, हमारे बिल्कुल साथ में ही रहती हैं। आप बस इनसे स्ट्रांगली कनेक्शन बनाते रहिए, रेगुलर उनसे कनेक्शन में रहिए। जैसे अगर आप पानी पी रहे हो, खाना खा रहे हो, चल रहे हो, चाय पी रहे हो, कहीं भी पार्टी में भी जा रहे हो, तो आप उनको यही बोलिए कि एंजल्स आप मेरे साथ हो, आप मेरे साथ हो, मैं जहां भी जाती हूँ आप मेरे साथ हो। तो आप देखोगे धीरे धीरे आप जो भी उनसे रिक्वेस्ट करोगे, हेल्प लोगे, वो आपकी हेल्प करना शुरू कर देंगी। बस आपको उनसे स्ट्रांगली कनेक्शन लेना है और रेगुलर कनेक्शन में उन्हें रखना है। हमारे आसपास ही उनकी प्रेजेंस महसूस होती है, और तो आप स्ट्रांगली फीलिंग के साथ उनसे कनेक्शन बनाइए। तो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अब आप गार्डियन एंजल से स्ट्रांगली कनेक्शन बनाने वाले हैं, मुझे ये भी पता है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम कोर्स रिलेटेड और भी नई बातें करेंगे, और हम फिर कल मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, और एंजल के साथ स्ट्रांगली फीलिंग के साथ कनेक्शन बनाकर अपनी हर विश को फुलफिल करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।